जय हिंद। नमस्कार मेरे सेठ सैनियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली SSC GD के नॉर्मलाइजेशन को लेकर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि SSC GD नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतने वीडियो आ गए हैं। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि एक दो ऐप ऐसे आ गए हैं, वेबसाइट ऐसी आई जिन पे अगर आप अपने नंबर डालते हैं तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन होकर आपके कितने नंबर बनते हैं वो भी बता देता है। या क्या ये वास्तविकता है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे के 30-30 नंबर या इससे ज्यादा नंबर भी बढ़ सकते हैं? पहले बात तो एक बात आप यहां स्पष्ट कर लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में सभी बच्चों के नंबर नहीं बढ़ते हैं। कई बच्चे, हर एक बच्चा जिसने भी रिजल्ट देखा है वो इस समय क्या सोच रहा है कि सर अभी नॉर्मलाइजेशन के भी तो प्लस होंगे। अरे नॉर्मलाइजेशन के प्लस होंगे, लेकिन क्या पता तेरे होंगे कि नहीं होंगे। है सभी के नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ते हैं, ध्यान रखना। जिनकी शिफ्ट हार्ड थी, ओरिजिनल में हार्ड थी, उनके नंबर बढ़ते हैं। दूसरी बात, अभी जो एक 30 तारीख को अंतिम में एक ये शिफ्ट हुई है, ये बता रहे हैं कि काफी आसान शिफ्ट थी, जबकि मेरा ऐसा मानना नहीं। मुझे ऐसा लगता है इस बार के पूरे पेपर का लेवल भी ऐसा ही था, इसका कोई बहुत आसान नहीं था। मैंने जहां तक पेपर देखा है मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ही आसान थी, कोई दूसरी तीसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं आ गए। ठीक है, जैसे बाकी पेपर थे वैसा ही लेवल उसका था। तो नॉर्मलाइजेशन 30 अंक बढ़ना या 25 अंक बढ़ना ये झूठी बातें हैं। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी सी चीज को समझ लेना। मैंने नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पहले भी आपको समझाया, लेकिन अब आपको मैं एक चीज और समझाता हूं। नॉर्मलाइजेशन का ध्यान रखना, अगर जैसे मान के चलो 100 बच्चे हैं तो उसमें से लगभग 25 बच्चों के नॉर्मलाइजेशन 0 से लेकर एक नंबर ही बढ़ेगा। ध्यान रखना, सभी के थोड़ा ना बढ़ता है। इन्हीं 100 बच्चों में से मान के चला और 25 बच्चे हैं, इनके नंबर 2 नंबर से लेकर और 3 नंबर के बीच में या 4 नंबर तक बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर मान के चलिए 25 बच्चे और मान लीजिए जिनके ये नंबर 5 से प्लस 7 या प्लस 8 तक जाएंगे। ठीक है, अब बाकी जो 25 बच्चे, इसमें से 15 बच्चे ऐसे होंगे, 15% को अगर आप ले सकते हैं, इनको परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनके 8 प्लस अंक भी बढ़ेंगे। मात्र 10% ऐसे बच्चे होते हैं, कितने परसेंट, मात्र 10% बच्चे जिनके 10 से प्लस अंक बढ़ते हैं, यानी जिनके 10 से ऊपर अंक बढ़ते हैं। बता तो ऐसे रहे जैसे कोई खिचड़ी है तो बढ़ जाएगी ऐसे। अरे ऐसे कैसे बढ़ जाएंगे, 30-30 नंबर को बढ़ने के होते हैं क्या नॉर्मलाइजेशन में? ऐसे कुछ नहीं बढ़ेगा, ये हवा की बातें, हवा हवाई बातें करते रहते हैं। 30 नंबर बढ़ जाएंगे, 40 नंबर बढ़ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे, 160 में से 200 नंबर आ जाएंगे। पॉसिबिलिटी है इस बात की कि 160 में से 200 नंबर आ जाए SSC GD में? नहीं, हो सकता है कि 2-4-5 नंबर बढ़ जाए, 10 नंबर भी उनके बढ़ेंगे। केवल 10% बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10 से प्लस अंक बढ़ेंगे, 90% बच्चे 8 से नीचे अंक बढ़ेंगे। ध्यान रखना, चाहे कितनी भी हल्की शिफ्ट हो जाए, जब शिफ्ट हल्की हुई, इस बार मैंने तो सुना ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा डिफरेंस तब आता है जब एक शिफ्ट बहुत हार्ड और एक शिफ्ट बहुत आसान हो। ऐसा मैंने तो पूरे पेपरों को देख लिया, ना तो मुझे फील हुआ, ना मैंने किसी बच्चे से सुना, ना ऑफलाइन बच्चों से सुना कि इस बार से जीडीयू की एक पेपर तो बहुत हार्ड आ गया। वो बच्चों ने रिव्यू कर दिया कि सर इतना मुश्किल था, पूछो मत। वो एक का बच्चे रिव्यू कर रहे हैं, अरे सर कुछ नहीं आया, बस ऐसे हवा में पूरे क्वेश्चन थे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ऐसा कौन है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है। पेपर का स्तर समान था, मैक्सिमम जो पेपर थे उनका स्तर बिल्कुल समान था। हो सकता है कि थोड़ा 19-20 का फर्क हो, जिसको ये नॉर्मलाइजेशन कवर करेगा। जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन देख लेना, मेरे को बता देना कितने बच्चे मिल जाए जिनके 25 से प्लस अंक बढ़ जाएं। आपको एक एक बच्चा नहीं मिलेगा, ऐसे फालतू के बेकाव में मत आइए, ना ही इसके लिए डिमोटिवेट हुई है, ना ही ऐसी उम्मीद लगा लीजिए कि आपके इतने नंबर बढ़ जाएंगे। कहीं चांस नहीं है कि 25-25 अंक बढ़ जाए, 30-30 अंक बढ़ जाए। हाँ नाथी का बाड़ा है, खोल देना तुम बाड़े को, घुसा देना गायों को, कहीं चांस नहीं है, कहीं नहीं बढ़ेंगे। ऑफलाइन बच्चों से मिलते नहीं, ऑनलाइन के चक्कर में घुसे रहते हैं, ऑनलाइन पूछते रहते हैं, जिसके जितना मन जाए उतना टोरा ठोक देते हैं। अरे रिव्यू देखो पेपर, नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस कब आएगा? नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस तब आएगा जब एक पेपर बहुत मुश्किल और एक पेपर बहुत आसान हो, तब नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस आएगा। सारे के सारे पेपर आसान थे इस बार। अगर पिछली शिफ्टों की बात करें तो सारे जो प्रश्न पत्र थे वो आसान थे, और जब आसान होते प्रश्न पत्र तब नॉर्मलाइजेशन बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ अगर कोई एक आधी शिफ्ट थोड़ी हार्ड हो जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं, तो उसका इफेक्ट 10% बच्चों पर नजर आता है, बाकी पर नहीं। तो बाकी जो ये तुम्हारे जो वो एप बता रहे हैं ना फालतू के, 40 नंबर बढ़ा दे रहे हैं, 50 नंबर बढ़ा दे रहे हैं, रिजल्ट आए उस दिन बात कर लेंगे। रोमार्क से किस किस के कितने बढ़े, मेरे पास में 100 बच्चे तो देख लेंगे, देखे किसके 10 नंबर से ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन बच्चों से जब आप ऑनलाइन की दुनिया में रहते हो तो इन चीजों का ज्यादा विश्वास मत करो। वो नॉर्मल सी वेबसाइट जो बनी हुई है, उनको कोई सच्चा आंकड़ा उनको पता नहीं है, बिल्कुल फेक है वो, समझ गए? उनके चक्कर में मत आना भाई, समझे बात को।
जय हिंद जय भारत।